आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं पुनः प्रवेश की। पुनः प्रवेश हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे री एडमिशन। री माने पुनः, एडमिशन माने प्रवेश। पुनः प्रवेश यानी के आपका नाम NSO हो गया है, यानी आपका NSO हो गया, नेम स्ट्रक ऑफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। अर्थात हिंदी में आपका नाम रजिस्टर में से कट गया है। यदि पुनः प्रवेश कराना है, दोबारा से एडमिशन कराना है, तो अब हमें क्या एप्लीकेशन देनी चाहिए। हर बच्चे के सामने इस एप्लीकेशन की बहुत बड़ी समस्या थी, जो मैंने आज हल कर दी। देखें कैसे लिखेंगे उस एप्लीकेशन को। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद कॉमा लगेगा। BCA इंटर कॉलेज मैंने अंदाजन लिख दिया है, शहर का नाम भी अंदाजन है। आप अपने स्कूल और शहर का नाम लिखेंगे, दोनों जगह कॉम आएगा, प्रिंसिपल के आगे भी, कॉलेज के आगे भी, लेकिन शहर के नाम के आगे आएगा फुल स्टॉप। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आखिर आपका विषय क्या है। तो अप्लाई करना, अप्लाई करने का मतलब होता है एप्लीकेशन देना। एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन, पुनः प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र। डियर सर या मैडम, या केवल सर या मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे कॉमा लगाना चाहिए, दोनों के आगे। डियर सर या डियर मैडम, या केवल सर और या मैडम, केवल उसके आगे कॉमा लगेगा। अब इसके बाद एप्लीकेशन की जब शुरुआत करते हैं, शुरू में लिखते हैं सविनय निवेदन ये है कि, सविनय निवेदन ये है कि, आपको अंग्रेजी में क्या कैसे लिखेंगे इसको। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से, सविनय निवेदन ये है कि, दैट माने कि, माई नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, अर्थात काट दिया गया है। ओ डॉलर, स्ट्रक ऑफ, नेम स्ट्रक ऑफ, नाम कट गया, स्ट्रक ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर में से नाम कट गया है। एज, एज माने यहां पे अर्थ है क्योंकि। I could not pay up my school fees, क्योंकि मैं स्कूल की फीस दे नहीं पाया। Pay up माने देना, could not pay up, दे नहीं पाया, जमा नहीं करा पाया स्कूल में। My school fees, स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाया। स्कूल के अगर फीस नहीं दी जाती है लास्ट डेट तक, तो नाम कट जाता है, ये नियम है। I could not pay up my school fees for the month of October. अक्टूबर के मंथ में मैं अपनी फीस नहीं जमा करा पाया, मेरा नाम कट गया। The cause of non-payment, फीस न देने का कारण। The cause of non-payment, फीस न देने का कारण, of fees was the hardship of माई फादर, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, पैसे की बहुत तंगी थी, तंगी हार्डशिप थी, पैसे की तंगी थी ऑफ माई फादर, पिताजी को पैसे की तंगी थी, इसलिए मैं फीस नहीं दे पाया। बहुत से बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ ऐसा होता है। मे आई देयर फोर, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, या कर सकता हूं, या करता हूं। प्रे, प्रे माने प्रार्थना करना, एंड होप, और ये आशा करता हूं, दैट यू वुड बी ग्रेशियस एनफ, कि आप बहुत दया करके मुझ पर, टू पास ऑर्डर्स फॉर माय रीएडमिशन, मेरे पुनः प्रवेश की आज्ञा देंगे। इसके बाद लिखेंगे आप थैंकिंग यू। थैंकिंग यू क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अभी थैंक यू नहीं लिखा जाएगा, मंजूर होने पर थैंक यू लिखा जाएगा। अभी आपकी ये चीज मंजूर नहीं हुई है, इसलिए थैंकिंग यू लिखा जाएगा। उसके बाद डेट लिखी जाएगी, मैंने तो ऐसे ही लिख दिए, आप असली वाली अपनी लिखना। और योर मोस्ट ओबीडियंट पीपल, आपका परम आज्ञाकारी, अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य, ये इसकी हिंदी हुई। अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे। इस तरीके से ये एप्लीकेशन पुनः प्रवेश की लिखी जाएगी। आज ही मैंने बहुत बड़ी समस्या का हल करा है बच्चों की,
और पिता को माता को या इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, बच्चों को लिखनी पड़ती है और वो लिख नहीं पाते हैं। इस समस्या का निदान आज हो गया है। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।